अभी 24 में देखो कितनी पॉपुलेशन है, इनके अकॉर्डिंग सिंगापुर में अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 79,300। हाँ जी सारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे चैनल में। मैं आपका दोस्त रियासत, आई होप आप सब अच्छे होंगे अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों, वीडियो का टाइटल देखकर पढ़कर समझ गए कि अभी जो कनाडा में जो सिचुएशन है स्टूडेंट और टूरिस्ट के लिए, क्या सेम सिचुएशन वो सिंगापुर में भी हो सकती है फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ भी हजारों की संख्या में हर साल स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आता है, टूरिस्ट भी लाखों की संख्या में आता है। हर कंट्री से बात कर रहा हूँ मैं, और जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको दिखाया, जो समझाया, उन सब का जो अभी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए जाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें राइट नाउ, बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आपको इसी चैनल से सिंगापुर की जानकारी मिलती रहेगी। अभी तक आपने मुझे अगर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर लाइक ज्वाइन फॉलो नहीं किया है, स्पेशल टेलीग्राम पर, क्योंकि मैं जितनी भी न्यूज दिखाने वाला हूँ और इस वीडियो का जो न्यूज का लिंक है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, तो जाके आप मुझे इन तीनों को फॉलो करें। जो इन तीनों का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है। स्पेशल आप मुझे टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें। अगर आप मुझसे और मेरे भाई से बात करना चाहते हैं तो मेरे और मेरे भाई का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा है, जाकर आप हमसे अभी बात कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, शेयर कर, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ इन फ्यूचर क्या हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। सो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और आपको समझने को मिलेगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। तो वीडियो शुरू करते हैं, तो हम सीधे बात करते हैं मेन मुद्दे की, ठीक है गाइस। अभी जो कनाडा में सिचुएशन है, जो न्यूज आ रही, जो पढ़ रहे हैं लोग, देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मैं भी सिंगापुर में हूँ, 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और जो वहां पे है उनको वापस भेजा जा रहा है, ठीक है। अब वो 70,000 इंडियन तो नहीं है, जो भी अदर मुल्क के भी हैं, प्लस इसके अलावा जो वहाँ पे टूरिस्ट पे जाएंगे या टूरिस्ट पे हैं वो अपना वो परमिट पे कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं, ऐसा भी जो मैंने न्यूज़ पढ़ा है और देखा है। जो आजकल टिकटॉक पे वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपने वर्क परमिट को लेकर कि मुझे वर्क परमिट चाहिए जॉब के लिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं बोलूंगा कि आपने देखा है ऑलरेडी, नहीं देखा तो यूट्यूब पर जाकर देख लेना, वहाँ बहुत सारी वीडियोज वो पड़ी होंगी, क्योंकि अभी सिंगापुर में ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है, बट फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बोल दिया है कि हम रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस हटा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग, अभी मैं इस पर एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी चाहिए कनाडा की तो आप यूट्यूब पे और न्यूज़ पे जाकर देख लेना, क्योंकि वहाँ भी बहुत लोग वीडियोज़ बनाते हैं कनाडा के बारे में। तो कनाडा जैसी का सेम सिचुएशन सिंगापुर में हो सकती है कि नहीं, ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ, एक बहुत बड़ा खेत ग्राउंड पड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ मैंने चारों तरफ बाउंड्रीज बना दी है और उसमें मैं हूँ, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, यू नो लाइक मेरा खानदान और मेरे रिश्तेदार, वहाँ पे हम बसे हुए रह रहे हैं, ठीक, काफ़ी सालों से हम बसे हुए रह रहे हैं, और बीच बीच में लोग नए बंदे आ रहे हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, और वो आकर वहाँ पर टहलने घूमने के बहाने या किसी स्टडी के बहाने वो आते हैं उस एरिया में, और वो चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। अगर उनको जॉब मैं दे देता हूँ फिर हमारा क्या होगा, हमारे चाचा के बच्चों का, ताऊ के बच्चों का, मामा के बच्चों का, मेरे खानदान के बच्चों का, या हमारा क्या होगा? तो वही है कि कनाडा भी इतनी बड़ी कंट्री नहीं है कंपेयर टू इंडिया। कनाडा भी एक छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन भी लाइक लैंड बड़ा है बट जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो वहाँ पे बाहर के लोग बहुत हैं, जैसे अपने इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और भी कंट्रीज़ के हैं, कजाकिस्तान, यू नो, श्रीलंकन, बहुत जिन जिन कंट्री के बारे में जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं स्टडी के लिए वो वहाँ पर हैं, तो सब जॉब की मांग कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट वहाँ की जॉब उनको दे देगी तो अपने बंदों को क्या देगी? सेम वही है ना, जैसे आप अपने आप पर भी ले लो यार, कि आपके पापा हैं, आपके घर में 8 लोग हैं, अब अगर आपके फादर साहब या मेरे फादर साहब अगर हमारी हेल्प ना करके किसी और की हेल्प करेंगे तो या तो नाइंसाफी हो गई ना, फिर तो हम सड़क पर चले आएंगे भाई। तो इसीलिए वहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए सोच रही है कि हम अपने लोगों को जॉब दें, क्योंकि कोई जॉबलेस ना हो, क्योंकि जॉबलेस होने में क्या है कि बंदा डिप्रेशन में आने लगता है, फिर डिप्रेशन में जाता है तो बहुत गलत काम कर देता है, चोरी, मर्डर, सुसाइड, बहुत सारे काम, समझ गए। तो कनाडा की न्यूज़ देखने के लिए आप जाके फॉलो कर लें। अब मैं आता हूँ सिंगापुर में। देखो भाई, सिंगापुर भी एक एशियन कंट्री है, इंडिया के भी नज़दीक है, 4-5 घंटे में आप सिंगापुर आ जाएंगे भाई, फ्लाइट 5.5 घंटे में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से इंडिया के, बहुत छोटी कंट्री है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू नाउ, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 60 लाख के ऊपर है, 60 लाख, यानी कि उसमें टूरिस्ट जो उसमें वर्क परमिट वाले भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, सिंगापुर सिटीजन भी है, पीआर भी है, वर्कर, सबको मिला के 60 लाख पॉपुलेशन यहाँ की है, सिंगापुरी नहीं है सिर्फ, सबको मिला के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 60 लाख पॉपुलेशन है सिंगापुर करंट टाइम पे,
तो लाख इतने तो हमारे हैं कि स्टेट की भी, इससे ज़्यादा हमारे स्टेट की भी होगी, हमारे यूपी की तो 33-35 करोड़ है यूपी की पॉपुलेशन, तो मैं तो सिंगापुर की बात कर रहा हूँ। बट इन्होंने डेवलप कर रखा है, बहुत कुछ इन्होंने मेंटेन कर रखा है, रूल्स बना रखे हैं। तो सारी बातें ना करते हुए पहले मैं आपको ले चलता हूँ कुछ रिसोर्सेज पे, वेबसाइट पे आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। और जो भी मैं दिखाने वाला हूँ इन सब का, जो वेबसाइट का जो लिंक है, इस वीडियो के लिंक है, जो भी है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर शेयर करूँगा वीडियो आने के बाद। तो आप जाकर चैनल को अभी 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 सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि आप वो जाके सारी न्यूज पढ़ सको। तो चलते हैं फिर मेरे स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, ये मैंने गूगल पे लिखा है सिंगापुर पॉपुलेशन, और वहां पे 2022 के अनुसार 56,37,000 कुछ पॉपुलेशन है यहाँ की, उस अकॉर्डिंग 2022 में। देखो तो कि एरो हांगकांग सिंगापुर कुआलालंपुर। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट एक वेबसाइट पे आते हैं तो सिंगापुर पॉपुलेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ 1950 से लेकर 2024 तक। बट अगर आप उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे लिखा है 2020 में जो पॉपुलेशन थी कितनी हुई थी, फ्रॉम लाइक यू नो द पॉपुलेशन ऑफ सिंगापुर इन 2021 वाज इतनी थी 59,41,060, यानी कि 59,41,060, और 53 इंक्रीज हुई थी फ्रॉम 2021 से, यानी कि 21 में बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद 22 में भी देख लो, और 23 में भी देख लो, और अभी 24 में देखो कितनी पॉपुलेशन है। 24 में जो है, मैंने आपको बताया ना, 60 लाख के ऊपर, 60,52,709, 16,52,709 पॉपुलेशन है जो इंक्रीज हुई है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हर साल इंक्रीज हो रहा है। अब हम एक और न्यूज़ है, ठीक है, मैं अगर इस पे आता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि देयर वेयर 5.9 मिलियन पीपल इन सिंगापुर एज अ जून फ्रॉम 5.6 मिलियन इन लास्ट जून, यानी कि लास्ट जून के अकॉर्डिंग इस साल जून में जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 61% सिंगापुरियन है, 9% परमानेंट रेजिडेंट यानी कि PR, वो 9% है, और 30% वेयर फॉरनर वर्किंग और स्टूडेंट इन द कंट्री, यानी कि 30% में सब लोग आ जाते हैं, वर्कर भी हैं और स्टूडेंट भी इस कंट्री में है। 30% समझ सकते हैं, इस छोटी सी कंट्री में 60 लाख की आबादी में 30% तो सिर्फ वर्कर और स्टूडेंट है। ठीक, ये मैंने आपको दिखाया था एक पॉपुलेशन की, सिंगापुर की एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी है, पहले कितनी थी अब कितनी है। अगर अब मैं सेकेंड न्यूज पे आता हूँ तो ये है, आप देख लो भाई यहाँ पर कि ये मैंने एक खोला है प्राइवेट स्कूल जो है ना, 2022 का न्यूज़ है ये, अभी करंट की कोई न्यूज़ नहीं, मैंने बहुत फाइंड किया मुझे नहीं मिला, बट ये है जब कोविड के बाद बॉर्डर इसके ओपन हुए थे तब जो स्टूडेंट था वो स्टूडेंट्स कितने यहाँ पर आए, तो यहाँ पे आप लिखा होगा पढ़ लेना। देखिए, देयर वर अबाउट 65,400 इंटरनेशनल स्टूडेंट इन सिंगापुर एट इन अप्रैल 2022। अप्रैल के एंड में 2022 में 65,400 स्टूडेंट यहाँ पे थे, ठीक, उसके बाद ये आए थे तो 10% बढ़ गए, यानी कि कहाँ से, 2021 अप्रैल 2021 से और 2022 के बीच में 10% बढ़े, यानी कि जब 59,000 थे तो उसमें 65,000 हो गए। ये किसके अकॉर्डिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE, जो सिंगापुर का MOE है उसके अनुसार है। अब हम एक और न्यूज़ की तरफ आते हैं, अब यहाँ देखो, अभी मैं दिखा रहा हूँ, पहले अब ये देखो उसमें कितने हैं, 2022 में थे 65,400 स्टूडेंट सिंगापुर में। अब अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि MOE के अकॉर्डिंग और इमिग्रेशन चेक पॉइंट यानी ICA के अकॉर्डिंग, ये दो जो गवर्नमेंट साइड हैं, या गवर्नमेंट ऑफिस हैं, गवर्नमेंट वर्क जो करते हैं, ICA आपको पता है एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन, और MOE जो स्कूल को या कॉलेजों को या यूनिवर्सिटी को चलाता है, तो ये दोनों इनके अकॉर्डिंग सिंगापुर में अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं 79,300 स्टूडेंट्स इस साल जनवरी तक का दिखाया है इन्होंने। अब जनवरी से लेकर ये आप सितंबर स्टार्ट हो गया है, तो आप मान के चलो कि भाई पूरे के पूरे 80,000 स्टूडेंट सिंगापुर में अभी है, और लास्ट ईयर जो दिखाया 63,000 था वहाँ से 25% इंक्रीज हुआ। पहले कितना इंक्रीज हुआ था 10%, और अभी कितना इंक्रीज हुआ है 25% करंट टाइम पे 80,000 के आसपास सिंगापुर में स्टूडेंट्स फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है भाई, क्योंकि डाटा है इनके पास, 80,000 स्टूडेंट सिंगापुर में, बहुत छोटी कंट्री का। जब आप यहाँ पे आओगे तो आप खुद पता होगा कि बहुत, अरे इतने स्टूडेंट्स,
इतनी छोटी सी कंट्री में आपको जगह जगह पे स्टूडेंट दिखेंगे। यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे, मॉल में, मेट्रो में, बस में, फूड कोर्ट में, किसी भी एरिया में जाओगे आपको स्टूडेंट जरूर दिखेंगे। ठीक है, अब एक और मैं न्यूज़ की तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, ये जो न्यूज़ है आप देख लो यार, क्योंकि 2023 मैं बता रहा हूँ, 2023 में यानी कि लास्ट ईयर 34,000 स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिंगापुर में आया था अपनी स्टडी करने के लिए। एक वेबसाइट है लैब स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग, उन्होंने पोस्ट किया है कि 2023 में मोर देन 34,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम टू सिंगापुर फॉर हायर स्टडीज। तो समझ सकते हो 2023 अभी 2024 चल रहा है, इसका भी डाटा जब आएगा तो मैं आपको जरूर देख लेना या मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम पे, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ये मैंने आपको बता दिया कि सिंगापुर की पॉपुलेशन कितनी थी, कितनी से कितनी बढ़ रही है और कितने हर साल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और कितना ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, हर साल। अब मैं बात करता हूँ, जैसे अभी कनाडा में क्या है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के वाइस प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे अपने आके बयान दे रहे हैं अपनी कंट्री के लोगों के लिए कि हम उनको जॉब देंगे और हम रिड्यूस कर रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स और फॉर टूरिस्ट के लिए। सेम गवर्नमेंट, सिंगापुर गवर्नमेंट ने अभी जब ये नेशनल डे था, जैसे इंडिया में होता है इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त मनाते हैं, यहाँ भी जब बंटवारा हुआ था मलेशिया से उसकी खुशी में ये लोग भी 9 अगस्त को एनडीपी यानी कि नेशनल डे मनाते हैं। तो नेशनल डे आने के बाद यहाँ के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर लॉरेंस वोंग, उन्होंने भी जॉब को लेकर कहा है क्योंकि जॉब की कमी यहाँ भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ की गवर्नमेंट अच्छी है जो राहत दे रही है लोगों को, अपने सिटीजन्स और पीआर लोगों को, यानी कि सिटीजनशिप जो यहाँ के लोग जन्म से पैदा हुए, जो जन्म से रह रहे हैं, और वो जो बाहर से आकर बाद में पीआर अप्लाई करते हैं और उनको पीआर मिल जाती है, उनके तो दोनों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत राहत भरी न्यूज़ दी है। मैं वो भी दिखाने वाला हूँ, तो चले आप मेरी स्क्रीन के ऊपर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हैं सिंगापुर के न्यू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर लॉरेंस वोंग। प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ये न्यू प्रधानमंत्री हैं सिंगापुर के। ठीक है, जो अभी फिलहाल 2-3 महीने पहले उन्होंने शपथ ली थी। और ये अभी एनडीपी अगर मैं बताऊं तो ये कब की न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है सिंगापुर अगस्त यानी कि अभी जो नेशनल डे हुआ था तो 2024 में, उसके बाद की न्यूज़ है। और इन्होंने क्या कहा है आप पढ़ें यहाँ पे, मोर शेयर्ड पैरेंटल लीव फाइनेंशियल एड फॉर द अनएम्प्लॉयड सिक्स डे अवे फ्रॉम एनडीपी 2024। तो इन्होंने बहुत कुछ कहा है, जैसे कि इन्होंने, अब मैं बता देता हूँ आगे, देखो ये है कीवर्ड, मैं इसकी फोटो और ये न्यूज़ सारे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जाके देख लेना, जाके ज्वाइन करें अभी। तो इन्होंने जैसे शेयर्ड पैरेंटल लीव भी है, चेंजेस टू गिफ्टेड एजुकेशन प्रोग्राम भी है, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ना ये वाला तो पूरा रहा है, स्किल फ्यूचर जॉब सीकर सपोर्ट स्कीम, टेम्परेरी फाइनेंशियल सपोर्ट अप टू 6,000 फॉर अप टू 6 मंथ फॉर द जो अनएम्प्लॉयड है या जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है या जॉब खो दिया है और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको 6,000 मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, आप इस न्यूज़ को पूरा जाकर रीड करना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये लीव के लिए है कि 10 हफ्ते लीव ले सकते हैं अगर कोई पेरेंट हैं, जिसमें डिवाइड होगा कि फीमेल कब तक लेना है और बॉय मेल, यानी कि एक साल में 53, 54, 55 वीक्स होते हैं, उसमें से 10 वीक्स छुट्टी ले सकते हैं ये लोग, अप्लाई करना पड़ेगा कंडीशन के साथ। और यहाँ पे जॉब का भी है, ये कलांग में बहुत कुछ हो रहा है, वहाँ इन्होंने बहुत कुछ चेंज करना है। ये देखो ये कलांग है यहाँ पे, वहाँ पे इंडोर बन गया, उसकी कैपेसिटी 18,000 हो गई है और इनका जो नेशनल ट्रेनिंग सेंटर था वो वुडलैंड से उठ के यहाँ कलांग में आ रहा है। ठीक है, तो बहुत कुछ है। और इन्होंने जॉब के बारे में सर जी ने बताया, रिड्यूसिंग बॉर्डर टू ऑफ कंपनीज, बहुत है। तो इस न्यूज़ को मैं डाल दूंगा, पढ़ लेना। अगली न्यूज़ जो है, अगली न्यूज़ सेम है सीएनए की तरफ से। ठीक है, हाउ मच विल टेक द स्किल फ्यूचर जॉब सीकर सपोर्ट स्कीम हेल्प अनएम्प्लॉयड सिंगापुर रेजिडेंस। ठीक है, सिंगापुर रेजिडेंस और पीआर उनके लिए तो जॉब इसकी है, और इसमें आप यहां पर पढ़ सकते हो पूरा, द स्किल फ्यूचर जॉब सपोर्ट स्कीम इंट्रोड्यूसिंग बाय प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग नेशनल डे रैली, जो अभी नेशनल डे हुआ था। तो इसमें लिखा है, द न्यू स्कीम प्रोवाइड लोअर टू मिडल इनकम इंडिविजुअल विद अप टू 6,000 ओवर 6 मंथ इफ देर लूज देयर जॉब। ठीक है, 1,500 पर मंथ भी है, और इसके बाद आप ये पढ़ सकते हो 60,000 पीपल जो है न्यू जॉब के लिए, बट इसमें कुछ कंडीशन है, आप पढ़ोगे आप जान जाओगे। उसके बाद एक ये और न्यूज़ है कि सिंगापुर टू ऐड, ये जो है 6,000 जो
मिलेंगे, वो कैसे अनएम्प्लॉयड को कैसे मिल सकते हैं या कितना उनके लिए सपोर्ट रहेगा, क्या रहेगा, तो उसके बारे में है, आप पढ़ लेना सब इसके नीचे वगैरह। मिस्टर की इनकी वीडियोज़ भी पढ़ी जाके, वीडियोज़ भी आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या कहा है वीडियोज़ में, अच्छे से समझ जाओगे नेशनल डे रैली। लास्ट न्यूज़ भी है पे आउट 6,000 फॉर इंडिविजुअली अनएम्प्लॉयमेंट मेंट टू कीप हैंड आउट, मतलब उनको कैसे मिलेगा जो 6,000 है वो कैसे मिलेगा, क्या है, तो उसके बारे में दिया हुआ है। ये सबका है जो सिंगापुर सिटीजन और पीआर है जिनकी एज हो गई, जो जॉब लॉस कर दिया उनके लिए, तो ये न्यूज़ है। बाकी आप अच्छे से इसको देख लेना, पढ़ लेना, मैं सारी न्यूज़ को, ये वीडियो है मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की, वीडियो भी देख लेना जाके, तो ये जो भी है मैं सब कुछ टेलीग्राम पर शेयर करने वाला हूँ। तो देखा गाइज आपने जो मैंने अभी दिखाया अपनी स्क्रीन के ऊपर, जाके आप सब पढ़ सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि छोटी सी कंट्री है, आज नहीं कल नहीं बट एक दिन यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है जॉब को लेकर, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी तो सेम है, वो वर्कर्स को नहीं निकालेंगे यहाँ से, क्योंकि वर्कर्स है तभी सिंगापुर टिका हुआ है। सिंगापुर में जो भी कंस्ट्रक्शन हो गया, न्यू हाउस हो गया, जितना कुछ बन रहा है यहाँ पे, या रेस्टोरेंट जो चल रहा है, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट्स, ये सब बाहर के लोग चला रहे हैं। और यहाँ पे मलेशियन बहुत काम करते हैं क्योंकि वो डेली अप डाउन कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है फ्यूचर में तो जो रिड्यूस करेंगे या निकालेंगे वो स्टूडेंट्स और टूरिस्ट के लिए ही रूल्स बनाएंगे, मैं सच कह रहा हूँ। ये वीडियो को जाकर सेव कर लेना, जब ऐसा कुछ सिंगापुर में होगा इस वीडियो को जरूर देखना, आप बोलोगे कि हाँ मैं सही कह रहा था। क्योंकि यहाँ पे हर साल अगर 50-40-45,000 स्टूडेंट्स आएगा तो भाई जो मिडिल क्लास वाले लोग यहाँ पे आते हैं उनका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होता कि वो हर महीने $2,000-1,500 अपने बच्चे को भेजेंगे, जो इंडिया का 1,00,000 के ऊपर होता है। 1,500-1,600 का हो गया 1,00,000 रुपये, 64 का रेट चल रहा है करंट टाइम पे, तो वो 1-1.5 लाख रुपये हर महीने नहीं भेज पाएंगे यहाँ पे कि बेटा तुम रेंट दो, पढ़ाई करो, 1,00,000 में घर बैठे अपनी डिग्री मिल जाती है भाई, घर बैठे है इंडिया में है भाई, 1,00,000 बहुत बोल दिया मैंने, अब पैसे भेजो 50-60,000 तो सब कम हो जाता है। यहाँ पर 1,50,000 आप कौन भेजेगा, और इतने रिचेस्ट है नहीं कि सिंगापुर अगर इतने रिचे होंगे तो भाई अपने इंडिया में कोई बिजनेस करेंगे, और अगर ज़्यादा ये लाइफ स्टाइल जीनी होगी तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा जाएंगे, यहाँ क्या करने आएंगे, सच बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि इसके लिए कि हाँ भाई चलते हैं 4-5-6 लाख में चलेंगे सिंगापुर, वहाँ पे काम करेंगे, थोड़े से पैसे कमाएंगे, घर भेजेंगे, अपनी भी कंडीशन सही हो जाएगी, घर की भी कंडीशन सही हो जाएगी, इसलिए आते हैं। बट जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो जरूर देखना, इसमें स्टूडेंट्स और टूरिस्ट का जरूर नाम होगा। वर्कर युग कम निकालेंगे और मलेशियन को बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते क्योंकि मलेशियन के सारे भी ये सिंगापुर टिका हुआ है भाई, अगर उन्होंने कुछ कर दिया तो वो बॉर्डर बंद, तो क्या क्या आएगा क्या जाएगा, क्योंकि हर चीज़ मलेशिया से आती है यहाँ पे, फ्रेश आइटम जितना भी है, जितना भी डेली बेस का है, वेजिटेबल, ग्रोसरीज, चाहे मीट कुछ भी हो, वो सबका सब मलेशिया के थ्रू आता है। तो उनसे तो ये नहीं कुछ करेंगे, ना ही उनके बंदों को रोकेंगे, वो काम करेंगे क्योंकि वो बहुत काम करते हैं यहाँ पे, आपको जगह जगह मलेशियन मिल जाएगा। जो वर्कर्स हैं वो परमिट हैं, वो होल्डर हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, परमानेंट जॉब कर रहे हैं, उनको भी नहीं निकालेंगे क्योंकि उनके सहारे ही सब कुछ चल रहा है। चाइनीज को निकाल नहीं सकते क्योंकि चाइनीज कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, तो किन को निकालेंगे, स्टूडेंट्स और टूरिस्ट को। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद क्या था, कि जो अभी करंट टाइम पे कनाडा में सिचुएशन है, कल को सिंगापुर में भी हो सकती है, मैंने सब कुछ दिखा दिया है, आप इसको बारी बारी टाइम निकाल के पढ़िएगा, जो इसका लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और टेलीग्राम पर जाकर जरूर, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ी बड़ी है, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ही था। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम टेलीग्राम, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।